Good morning, smart learners of APS. How are you all? Hope you all are fit and healthy. May God bless you with good health, happiness and joy. बेटा, हमेशा की तरह आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले भी हम प्रेयर करेंगे. All of you, join your hands and close your eyes for morning prayer. शक्ति बैम्बू ट्री से हमें मिलता है. प्लांट्स गिव अस रबर.
रबर हमें बेटा रबर ट्री से मिलती है। आपके जो व्हीकल्स के टायर्स होते हैं वो रबर के बने होते हैं। प्लांट्स गिव अस गम, बेटा जो आप पेस्टिंग के लिए गम यूज करते हो वो भी हमें प्लांट से मिलती है और वो मिलती है हमें कीकर ट्री से। परफ्यूम, परफ्यूम तो आप सब लगाते हो है ना, परफ्यूम भी हमें बेटे प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि रोज प्लांट, जैस्मिन प्लांट, इनसे परफ्यूम बनाए जाते हैं। ऑयल, प्लांट से हमें ऑयल भी मिलता है, जो हमारे सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, इनसे ऑयल निकाला जाता है और इस ऑयल को हम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग फूड। जो आप खाना बनाते हो ऑयल में वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं बेटा। इसके अलावा ऑयल को शैम्पूस, सॉप्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है। प्लांट्स गिव अस मेडिसिन, प्लांट्स से हमें मेडिसिन भी मिलती है, लाइक कुनीन। बेटा अगर मलेरिया हो जाए तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं कुनीन, और ये कुनीन हमें किससे मिलती है, प्लांट्स से। इसके अलावा अगर आपको कफ या कोल्ड हो जाता है तो आपकी मम्मा आपको तुलसी की चाय बना कर देती है ना। और भी हमारे पास पौधे हैं जिनको हम ऐसे मेडिसिन यूज करते हैं, लाइक एलोवेरा, आंवला। प्लांट्स से हमें बेटा टी भी मिलती है, टी प्लांट से हमें टी मिलती है और कॉफ़ी प्लांट से हमें कॉफ़ी मिलती है। आप जो चीनी खाते हो, शुगर खाते हो, ये भी हमें बेटा प्लांट से मिलती है। और कौन से प्लांट से मिलती है, शुगर केन से, शुगर हमें शुगर केन से मिलती है। सो बेटा इन आवर टुडेज क्लास वी रेड अबाउट डिफरेंट यूजेस ऑफ प्लांट्स। नाउ इट्स टाइम फॉर रीडिंग ऑफ द चैप्टर। ओपन योर बुक पेज नंबर 69। You have to speak after me. What do plants give us? Plants give us many things. They are very useful to us. Plants give us food. We eat different parts of plants. देखिए बेटा ये seed part है plant का, जो हम rice खाते हैं या दालें खाते हैं वो seed part होता है। Root part like कैरेट। स्टेम पार्ट में कौन सी चीज़ आती है बेटा, शुगर केन। लीफ पार्ट हम कौन सा खाते हैं, कैबेज। फ्रूट्स तो हम सभी खाते हैं एंड दीज आर नट्स। प्लांट्स गिव अस फाइबर्स, फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक क्लोथ, रोप्स, सैक्स एंड मैट्स। प्लांट्स गिव अस वुड, वी मेक फर्नीचर like tables, chairs, doors, windows and housing materials by using wood. Plants give us paper, rubber, gum and perfume. Paper is made from bamboo. Rubber is made from the latex of the rubber tree. Gum is made from the juice of the kikar tree and perfume is made from roses. Seeds, nuts and fruits give us oil. We use oil in cooking, making soaps, shampoos, perfumes and medicines. Plants give us medicines such as quinine and penicillin. तुलसी लीव्स आर यूज टू क्योर कोल्ड्स एंड कफ। सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज आमला, हल्दी एंड एलोवेरा आर यूज एज मेडिसिन। वी गेट टी एंड कॉफी फ्रॉम टी प्लांट्स एंड कॉफी प्लांट्स रिस्पेक्टिवली। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। प्लांट्स आर आर फ्रेंड्स, they help us live on the earth. We must grow more and more plants. Now watch the animation of this chapter as visualizing of something helps us to keep the things in our mind for a long time. You might have seen different kinds of plants around you. Some plants are big and strong, while others are small and weak. Plants can be divided into three main groups on the basis of their size: trees, shrubs, and herbs. Trees. The big, tall, and strong plants are called trees. They have a woody stem called a trunk.
Their roots and branches are also woody. Banyan, neem, coconut, mango, gooseberry, amla, spruce and fir are examples of trees. Trees live for many years. Some trees like neem and peepal shed their leaves every year. They are called deciduous trees. Some trees like mango and banyan remain green throughout the year. They are called evergreen trees. Shrubs. Shrubs are smaller in size than trees. They also have a hard and woody stem and branches. A shrub has a bush-like appearance. Shrubs live for many years. China rose, cotton, jasmine, and rose plants are examples of shrubs. Herbs. Herbs are very small plants as compared to trees and shrubs. They have green and soft stems. Coriander, mustard, spinach, mint, and aloe vera plants are examples of herbs. Many herbs live for a couple of months or a year. Although most of the plants can stand erect, some plants have weak stem and need support. Plants with weak stem can be divided into two groups, climbers and creepers. Climbers. A climber is a plant which has a weak stem. The stem coils around a support to grow straight. Pea and bean plants, grapevine and money plant are examples of climbers. Creepers. A creeper is a plant which grows along the ground. It has a very weak and thin stem. Plants like cucumber, pumpkin, and watermelon are creepers. Thorny plants. Some plants have thorns. They are called thorny plants. Cactuses are thorny plants. Where do plants grow? Plants grow both on land and in water. Most of the plants grow on land. Lotus and water lily grow in water. They are called water plants. Cactuses grow in hot deserts. They are called desert plants. What do plants give us? Plants give us many things. They are very useful to us. Plants give us food. We eat different parts of plants. Plants give us fibers. Fibers are used to make clothes, ropes, sacks, and mats. Plants give us wood. We make furniture like tables, chairs, doors, windows, and housing materials by using wood. Plants give us paper, rubber, gum, and perfume. Paper is made from bamboo. Rubber is made from the latex of the rubber tree. Gum is made from the juice of the kikar tree. And perfume is made from roses. Seeds, nuts, and fruits give us oil. We use oil in cooking, making soaps, shampoos, perfumes, and medicines. Plants give us medicines such as quinine and penicillin. Tulsi leaves are used to cure colds and cough. Certain parts of plants such as amla, haldi, and aloe vera are used as medicines. We get tea and coffee from tea plants and coffee plants respectively. We get sugar from sugarcane. Plants are our friends. They help us live on the earth. We must grow more and more plants. Did you enjoy the animation? Maza aaya animation dekhkar? Chaliye, ab hum karte hain exercise. So beta, today we will do take the correct answer, true, false and fillers. Question A. Tick the correct answer. Beta, aapko correct answer tick karna hai. First one, trees that shed their leaves every year are called evergreen trees, deciduous trees, dead trees. वो trees जो अपने leaves को हर साल गिराते हैं, shed करते हैं, उन्हें कौन से trees कहते हैं? Evergreen trees, deciduous trees या dead trees? Which is the correct answer? Yes, deciduous trees. Option B is correct. So we will put a tick here. Next, trees that remain green throughout the year are called deciduous trees, evergreen trees, greenwood trees. Wo trees jo pura saal green rehte hain,
उन्हें क्या कहते हैं? डेसिडुअस ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज या ग्रीन वुड ट्रीज? विच इज द करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एवरग्रीन ट्रीज. सो वी विल पुट अ टिक हियर. थर्ड वन, मनी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रीपर, क्लाइंबर, हर्ब. मनी प्लांट किसका एग्जाम्पल है? क्रीपर का, क्लाइंबर का या हर्ब का? विच इज द करेक्ट आंसर? यस, क्लाइंबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो वी विल पुट अ टिक हियर. क्वेश्चन बी, राइट ट्रू और फॉल्स. देयर आर फोर स्टेटमेंट्स. यू हैव टू टेल वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, ट्रीज लीव फॉर मैनी ईयर्स. ट्रीज बहुत सालों तक जीवित रहते हैं. इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. सो वी विल राइट ट्रू हियर. नेक्स्ट, श्रब्स आर लार्जर इन साइज देन ट्रीज. श्रब्स ट्रीज से साइज में बड़े होते हैं. इज इट ट्रू? नो, इट इज फॉल्स. तो वी विल राइट फॉल्स हियर. थर्ड, क्लाइंबर्स हैव अ वीक स्टेम. क्लाइंबर्स की स्टेम वीक होती है. इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. सो वी विल राइट ट्रू हियर. फोर्थ, वाटरमेलन इज अ क्लाइंबर. वाटरमेलन एक क्लाइंबर है. नो, इट इज फॉल्स. सो वी विल राइट फॉल्स हियर बिकॉज वाटरमेलन इज अ क्रीपर. क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. देयर आर फोर फिलअप्स. वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स. यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल द ब्लैंक. फर्स्ट वन, द बिग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड डैश. बड़े, लंबे और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को क्या कहते हैं? यस, ट्रीज. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ट्रीज. सेकेंड, अ डैश हैज अ बुश लाइक अपियरेंस. किसकी अपियरेंस बुश जैसी होती है? यस, श्रब. वेरी गुड. सो वी विल राइट श्रब हियर. थर्ड, अ डैश इज अ प्लांट विच ग्रोज अलोंग द ग्राउंड. वो प्लांट जो ग्राउंड के साथ ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा प्लांट है? यस, क्रीपर. अ क्रीपर इज अ प्लांट विच ग्रोज अलोंग द ग्राउंड. फोर्थ, पेपर इज मेड फ्रॉम डैश. पेपर किसका बना होता है? कौन से ट्री का बना होता है पेपर? यस, बैम्बू. सो वी विल राइट बैम्बू हियर. इट्स टाइम फॉर होमवर्क नाउ. Read page 69 and 70. Do question A, B and C in the book. Thank you. Meet you soon in the next video. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Bye.